हेलो फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग में हम काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले हैं और वाराणसी के इतिहास को जानने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो हेलो गाइस, सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बनारस जंक्शन या वाराणसी जंक्शन जो आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा मेन डेस्टिनेशन होगा काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने का। तो यहाँ से हम काशी विश्वनाथ मंदिर कैसे पहुँचे, वहाँ पर कहाँ स्टे करें, कहाँ होटल बुकिंग लें, वहाँ पर कैसे हम दर्शन करें मंदिर, कितने दर्शन द्वार होते हैं वो हम देखेंगे जाके। तो कैसे कैसे प्रोसीजर है वो हमको आपको सबको बताएंगे। तो आप कहाँ से सफ़र तय करें बनारस का, तो वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने तय किया है ये दिल्ली से, तो दिल्ली से आने में मुझे यहाँ से लगा, मैंने रात को 6 बजे यहाँ बैठा था तो सुबह को 8 बजे तक पहुँच गया। आप कर सकते हैं किसी और से, एयरपोर्ट से भी कर सकते हैं, पर एयरपोर्ट से डिस्टेंस होगा यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर का जो दिखा रहा है 22 किलोमीटर, और रेलवे स्टेशन से डिस्टेंस है इसका 5 किलोमीटर। तो यहाँ से पहले चलते हैं डायरेक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्ते में, तो चलिए चलते हैं। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। तो हम आधे घंटे का बाइक राइड करके हम आ चुके गदौलिया चौराहा। आप देख सकते हैं पीछे मेरे ये जो खंबा है, इसके आगे बाइक राइड नहीं जाती है, तो हमें यहाँ पर बाइक ने छोड़ दिया है। तो अभी हम आगे जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे 4 रास्ते गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 4 रास्तों में एक रास्ता आप गया है गंगा घाट की तरफ, और एक रास्ता गया है इस तरफ जो डायरेक्ट मंदिर दर्शन के लिए जाता है। तो हम चलते हैं घाट की तरफ, क्योंकि घाट से भी हम मंदिर दर्शन कर सकते हैं। गदौलिया चौराहा से जस्ट 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है गंगा घाट। सो दोस्तों, हम 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद हम पहुँच गए हैं ये घाट। तो ये है एक्चुअली मन महल घाट, इसका नाम है मन महल घाट। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बहुत लोग गंगा का दर्शन करते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, क्योंकि मैं जब स्नान करूँगा तो मुझे मोबाइल यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं बहुत श्रद्धालु जो आए हैं स्नान करने के लिए, गंगा के में डुबकी लगाते हैं अपने पाप धोने के लिए जो बोला जाता है। तो मैं भी अब डुबकी लगाने वाला हूँ, तो कैमरा को थोड़ा देर बंद करता हूँ। हमने नदी नहा लिया है, अभी हम करेंगे प्रभु दर्शन। प्रभु दर्शन से पहले हम एक टीका लगा लेते हैं। तो दोस्तों, हमने फाइनली गंगा मैया में डुबकी लगा लिया और हमें बहुत अच्छा लगा उससे, जो एहसास है आप यहाँ डुबकी लगाइए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ये मैंने मन महल घाट में डुबकी लगाया है, और उसके बाद ये जो टीका लगाया है ये बहुत अच्छे से उन्होंने टीका लगा दिया है, ये भगवान शिव का प्रतीक है। तो इसके बाद हम चलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। उसके पहले हम कुछ और घाट के दर्शन यहाँ पर करते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग घाट भी बने हुए हैं विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने से पहले, तो हम उनसे कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर घाट की ये सुविधा है या स्पेशलिटी बोल सकते हैं, कि आप एक घाट पकड़ोगे तो ये लगातार और एक घाट की तरफ आपको डायरेक्शंस दे ही देगी, तो एक के बाद एक घाट लगातार कनेक्टेड है। तो जैसे हमने मन महल घाट देखा, उसके बाद और एक घाट इससे कनेक्टेड है, तो ये पर डायरेक्ट जो गली टाइप का दिख रहा है और इसमें खंभे लगे हुए हैं, डायरेक्टली हमें नेक्स्ट घाट तक ले जाएंगी। तो चलिए, तो घाट वॉक करते करते हमें एक प्राचीन मंदिर हमें दिखे जिसका नाम है श्री राजेश्वरी मंदिर। हम घाट में चलते चलते आप देख सकते हैं
अभी हम ये मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलते चलते वहाँ पहुँचे, देखिए गेट पे, और आपको देख के एक शॉक लगेगा। देखिए आप गेट पे कितना लंबा लाइन है, मैं आपको दिखाता हूँ फुल। तो ये एक्चुअली गेट नंबर एक है। गेट नंबर एक में आप देख सकते हैं बहुत भीड़ लगा हुआ है। तो जनरली ऐसे भीड़ लगा रहता है हर वक्त, जो कि 4-5 घंटा नेचुरली लग ही जाएगा। तो इतनी लंबा लाइन है, अभी मैं सोच रहा हूँ गेट नंबर 4 से जाया जाए। ये गेट नंबर एक है, गेट नंबर एक में ऐसे भीड़ लगा रहता है बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये कार्तिकेय संकुल है जहाँ पर, और यहाँ पर हमें बैग जमा करना है इस तरफ और जूता जमा करना है इस तरफ, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। गेट नंबर 1 में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है जो मैंने दिखाया आपको, देखिए मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं। और गेट नंबर 4 में होता है VIP दर्शन बोल सकते हैं। गेट नंबर 4 पे VIP दर्शन होता है। तो गेट नंबर 4 पे हमें जाना ज़्यादा सुविधा है, भले यहाँ पर 300 रुपये टिकट लगे, आप वहाँ से मेरी एडवाइस लेंगे तो वहाँ से आप टिकट करा सकते हैं, वहाँ बहुत जल्दी दर्शन होगा। 300 रुपये वहाँ टिकट लगता है। तो चलिए वहाँ जाते हैं। देखिए मंदिर परिसर शंकराचार्य चौक है और महाकालेश्वर भवन है। तो इस तरफ हम जाएंगे तो गेट नंबर 4 के दर्शन करेंगे, और साइड में देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति जो मंदिर की बनी हुई है, वो हम जाके अंदर दर्शन करेंगे उसके। तो गेट नंबर 4 के रास्ता में ये पतली गली है, उस गली को पार करके हमें गेट नंबर 4 की तरफ जाना पड़ेगा। तो इधर आप देख सकते हैं पतली पतली गलियों से होके हमें गेट नंबर 4 जाना पड़ेगा। तो बनारस में ऐसे पतली पतली गलियाँ आपको जगह जगह मिल जाएंगी। गली से निकल के हम गेट नंबर 4 पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं जस्ट मेरे पीछे गेट नंबर 4 है। तो यहाँ पर आपको VIP दर्शन मिलेगा। तो यहाँ पर 300 रुपये की टिकट काटते हैं, हम चलते हैं। तो हम स्पेशल दर्शन के लिए टिकट कटवा लिए हैं। यहाँ पर 300 रुपये टिकट लगा है, देख सकते हैं ये काउंटर में, और हमें टिकट मिल चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर VIP दर्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए हम करके आते हैं पहले। तो ये देख सकते हैं ये मंदिर के जाने की रास्ता है, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये गेट नंबर 4 है। तो हम पहले लॉकर में हमें बैग जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जा सकते हैं आगे। तो दोस्तों हमने फाइनली काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन कर लिए हैं। मेरे पीछे जो गेट नंबर 4 है आप देख सकते हैं, इससे हमें दर्शन किया। तो हमें एक्चुअली लग गया, बोलते हैं बहुत जल्दी होता है, पर एक्चुअली ये VIP दर्शन है, पर इसमें भी हमें लग गया कुल 1.5-1.5 घंटा के समय लग गया है। और ऐसे आप नॉर्मल दर्शन करेंगे तो आपको 3-4 घंटा की 5 घंटा भी लग सकता है। तो इससे अच्छा आप इसी 4 नंबर के गेट से आप जाके दर्शन कीजिए। उसके पहले आपको सामान डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो मैंने सामान यहाँ पर डिपॉजिट किया था। यहाँ पर जगह जगह सामान डिपॉजिट करने का भी है आपका, और आपको स्मार्ट वॉच हो कि इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, कुछ भी अलाउड नहीं है, तो वो सब आपको रख के जाना पड़ेगा। जो मैंने डिपॉजिट किया अपने सामने ही देख सकते हैं, इसी काउंटर से मैं डिपॉजिट करके, और यहाँ पर टिकट काउंटर है, यहाँ पर टिकट काउंटर में टिकट करा सकते हैं। टिकट करने के बाद 300 रुपये का जो स्पेशल दर्शन का टिकट है वो मैंने कराया, और फिर सामान डिपॉजिट करके अपने मोबाइल फ़ोन भी डिपॉजिट करना पड़ा, इसलिए मैं तब वीडियो बना नहीं पाया। ठीक, चलते हैं। विश्वनाथ बाबा के दर्शन तो हो गए, जिससे मन बहुत प्रसन्न हुआ है और प्रफुल्लित हुआ है, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरा 1.5 घंटा में ही बाबा का दर्शन हो गया। और नॉर्मल आप ऐसे दर्शन करने जाएंगे तो 3-4 घंटा की 5 घंटा भी लग सकते हैं। तो मेन काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद आप और भी घाटों के दर्शन कर सकते हैं। बनारस में कुल 84 घाट हैं जो आप देख सकते हैं, उनमें से एक घाट में मैं खड़ा हूँ। कुछ घाट अपनी धार्मिक, तो कुछ अपनी आध्यात्मिक, तो कुछ अपनी प्राचीनता और कुछ अपनी ऐतिहासिकता के लिए प्रचलित हैं, कुछ अपनी कला के लिहाज से भी खासियत रखते हैं। बहुत घाटों की महिमा है, जैसे 80 घाट, तुलसी घाट, हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, चेत सिंह घाट, राजघाट, पंचगंगा घाट और आदिकेशव घाट, जैसे इनमें से कुछ प्रचलित घाट हैं। तो अभी हम जाएंगे मणिकर्णिका घाट, जो हम सबसे पास है वो घाट, और उसकी मान्यता जानेंगे। तो हम अभी पहुंच चुके हैं, आप जो मेरे पीछे घाट देख रहे हैं वो, उसको मणिकर्णिका घाट बोला जाता है। तो जितना मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि मणिकर्णिका घाट को काशी के 5 तीर्थों में स्थान दिया गया है। और इसके पीछे जो आप भवन देख रहे हैं, इसका जो निर्माण किया गया है उसमें पेशवा बाजीराव और
अहिल्याबाई होलकर का हाथ था। पुराणों में भी मणिकर्णिका घाट की महत्व बहुत है। ऐसे मैंने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से मैं जानता हूँ कि मणिकर्णिका घाट 51 शक्तिपीठ में से एक है। तो इसकी जो हिस्ट्री है, जो पुराणों में क्या लिखा गया है, जो आप सबने सबको पता है कि दक्ष प्रजापति ने जब भगवान शिव का अपमान किया था, तब माता सती ने यह अपमान बर्दाश्त न करके उन्होंने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया था। और उनकी लाइफ जो सैक्रिफाइस हुई, तब भगवान शिव ने क्या किया, उनको अपने हाथ पर बिठाकर बहुत जगह यहाँ वह हिमालय गए, बहुत जगह घूमने लगे और वो बहुत ही पेन में थे, पीड़ा में थे। तब भगवान विष्णु, जो माता सती को अपनी बहन मानते हैं, उन्होंने क्या किया, यह पीड़ा को ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए, उन्होंने ही अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जो अंग को 51 पार्ट्स में डिवाइड किया या कट किया बोल सकते हैं। और वो 51 जो 51 शक्तिपीठ जो बोला जाता है, उनका ईच बॉडी पार्ट्स जहाँ जहाँ गिरा है वह 51 शक्तिपीठ आजकल कहलाता है। तो यह जो भगवान माँ सती का जो ईयर का ऑर्नामेंट है, वह यस इस मणिकर्णिका घाट में गिरा था जो मान्यता है। और इस मणिकर्णिका घाट में उनकी ईयरिंग और ऑर्नामेंट जो गिरा, इसी के हिसाब से यह मणिकर्णिका घाट बनी। तो मणिकर्णिका घाट को घूमते हुए हमने कुछ मंदिर का यहाँ पर दर्शन किया। तो मणिकर्णिका घाट में बहुत सारे मंदिर प्रसिद्ध हैं, उसमें से एक मंदिर है आप देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे है, इसको लीनिंग मंदिर और लीनिंग टेम्पल ऑफ वाराणसी बोला जाता है। जैसे वर्ल्ड में है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, यह है लीनिंग मंदिर और लीनिंग टेम्पल ऑफ वाराणसी। आप देख सकते हैं ये कुछ डिग्री टिल्ट या लीन हुआ है ये मंदिर। तो इसका जो गर्भगृह है वो पानी के नीचे बोला जाता है कि पानी के नीचे है, एक्सेप्ट फॉर सम मंथ समर के जो पानी के ऊपर होते हैं, वरना ये पानी के नीचे ही इसका गर्भगृह है। इसको वेल प्रिजर्व किया गया है और मोस्ट फोटोग्राफ्ड टेम्पल ऑफ वाराणसी बोला जाता है। तो है ना कुछ चमत्कारी जो बोल सकते हैं। और ओवर द ईयर्स ये 9 डिग्री स्लैंट इसमें नोटिस किया गया है इस टेम्पल में। तो चलिए नेक्स्ट घाट में चलते हैं। तो घूमते घूमते हमें शाम हो गई और अब शाम का व्यू आप देख सकते हैं कैसे दिख रहा है गंगा घाट। और अब संध्या आरती का समय हो गया है, संध्या गंगा घाट में गंगा आरती होने वाली है। तो हम गंगा घाट की तरफ चलते हैं। पीछे कैसे एक तो घूमते घूमते हमें शाम हो गई और वाराणसी आए, बनारस आए, और बनारस घाट के दर्शन रात में नहीं किए तो क्या किया, क्योंकि रात में जो इसकी लाइटिंग होती है वो कुछ अलग ही प्रकार की होती है। और यहाँ पर जो आरती, संध्या आरती होती है, रात को लाइटिंग होती है, आप देख सकते हैं पीछे तरफ मैं दिखाता हूँ, ये अलग अलग घाट की जो लाइट्स हैं तो आप देखने को मिलेगा आपको। रात को 7 बजे के बाद यहाँ पर आरती का टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है।
तो वाराणसी में यहाँ पर ऐसे घाट और ऐसे मंदिर और ऐसे गंगा किनारे के नज़ारे बहुत देखने मिलेंगे, जो हमारे देखते ही बहुत मन को भा जाते हैं। और यहाँ पर जो वाटर राइड भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे वाटर राइड चल रही है तरह तरह के। तो ये सुबह का नज़ारा और शाम का नज़ारा दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, पर शाम का जो नज़ारा लाइटिंग होते हैं वो देखने में कुछ अलग ही मज़ा है। तो आप देखिए, और इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thanks for watching and subscribe for more such videos.